नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज बात करेंगे वर्कशॉप केलगुन साइंस के फोर्थ सेमेस्टर की। जिन बच्चों की बैक एग्ज़ाम अभी होगी, वो बच्चे ध्यान दें कि भले आप फोर्थ सेमेस्टर को हो या सेकेंड ईयर के, दोनों के लिए यह पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने नोट किया है कि अभी जो ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम मार्च में होते, वो पूरा पेपर विंडो पेपर आ रहा है। तो सेमेस्टर प्रणाली वाले बच्चे भी ध्यान दें, जहाँ तक हो सकता है आपका ये पेपर 2019 का है, आपने दिया भी होगा, तो इसका एनालिसिस करके जरूर जाइए। क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो ये इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट मैकेनिक, लिफ्ट एंड स्केटर मैकेनिक, इस ट्रेड वाले बच्चे जरूर इसको देखे जाइए। साथ दोस्तों, अगर आपको इस पेपर की PDF फाइल चाहिए तो अभी डिस्कशन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी प्रकार के पेपर अवेलेबल है। साथ ही आप ITI CBT एग्जाम के नाम से सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, हम ITI CBT एग्जाम के पेपरों का एनालिस करना चाहते हो, तो अगर आप ईयरली बच्चे हो, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, तो हम CBT एग्जाम के पेपरों का भी एनालिसिस करा रहे हैं। तो ज़्यादा वक्त ख़राब ना करें, लगभग आपके 25 क्वेश्चन हैं, 2 घंटे का पेपर आएगा और ऑफलाइन एग्ज़ाम है, सभी बच्चों के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो करते हैं स्टार्ट और ज़्यादा वक्त ख़राब ना करें। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, धातु के जंग लगने में सम्मिलित है। तो दोस्तों, जंग लगने में सम्मिलित है रासायनिक क्रिया कारण जंग लगती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बड़ा है? 5/8, 2/3, 7/9, 3/5। दोस्तों, इसमें 7/9 क्या है? बड़ा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन आपका, एक लकड़ी की मेज जिसका व्यास 1.4 मीटर है, उसका सरफेस एरिया क्या होगा? तो दोस्तों, उसका सरफेस एरिया 1.54 मीटर स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से फ्रूस्टम का वक्र सतह क्षेत्रफल CS क्या होगा, जिसका बड़ा व्यास 12 सेमी है और छोटा व्यास 6 सेमी है? तो झुकी हुई ऊंचाई 14 सेमी है। तो दोस्तों, ये आपने सर से क्लियर करना है, क्योंकि इसका मैं क्लियर नहीं कर सकता, और अगर मैं आंसर मिलेगा तो मैं लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, बिंदु 3 और 4 को किस चतुर्थांश में अंकित किया जाता है? दोस्तों, इसको चतुर्थांश में किया जाता है, तो राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए कोष्टक 2 8, बी 3-3 कोष्टक, फिर सी है 2 और 3 को किस चतुर्थांश में अंकित किया जाए? दोस्तों, इसको फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट चतुर्थांश में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि अशोक 8% वार्षिक दर से 10,000 रुपये जमा करता है, तो साल के अनुसार सामान्य ब्याज और समय संबंध का टेबल क्या होगा? दोस्तों, आप यहाँ पर जो प्रतिशत है वो जरूर करके जाइए पर्सन वाली क्लियर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपये में एक साइकिल खरीदी है और 2 वर्ष बाद उसे 600 रुपये कम में बेच दिया जाता है, तो कुल हानि का प्रतिक्रिया? दोस्तों, 600 रुपये कम में बेची और 5,000 की खरीदी इंटू 100, तो दोस्तों सिर्फ 12% की क्या होगी? हानि होगी। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, 15% हानि के साथ 13,600 रुपये में बेची गई स्कूटी का मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों, यहाँ पर हानि 15% है, तो 100 में से 15 की तो 85 बच गई, तो 85 बराबर 13,600 हो गई, तो 1% बराबर होगा 13,600/85×100। तो दोस्तों, जो हम हल करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 16,100, यानी बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दुकानदार कोई वस्तु 10% की छूट पर बेचता है और फिर भी उसे उस वस्तु को 450 रुपये बेचने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आपको पता है 10% की छूट है, तो 90 बराबर क्या होगा? 450। तो 1 बराबर क्या होगा? 450/90×120, क्योंकि 20% लाभ प्राप्त हो रहा है, तो इनको हम मान करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, उसे अलमारी का अंकित मूल्य क्या होगा जिसे 5% छूट के बाद 5,225 रुपये में बेचा जाता है? दोस्तों, 5% छूट यानी 95 बराबर क्या हो गया आपका? 5,225। तो दोस्तों, 55 ये आपका जो है क्या, 55×100, तो बराबर क्या हो गया दोस्तों आपका? 5,500। अगला क्वेश्चन है, लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य ज्ञात करने का क्या फार्मूला होगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी 35 द्रव्यमान वाली बॉडी को स्थिर गति के साथ क्षैतिज अवस्था में एक समतल सतह पर चलने के लिए 30 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है, तो घर्षण गुणांक क्या होगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा सी। तो इस प्रकार ये हल होगा, यानी H=mg। तो यहाँ पर 30×10 का मल्टीप्लाई करेंगे 35×10 का, दोस्तों ये 350 आएगा। इसी के साथ दोस्तों, μ=F/r होता है, तो 30/ ये μr का मान कि 350 हो गया, तो हल करने पे 0.87 आएगा। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
यदि एक 600 केजी का भार एक 30 डिग्री के तिरछे प्लेन पर रखा जाता है तो सामान्य प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, यदि 100 केजी के द्रव्यमान वाली गतिमान बॉडी क्षितिज प्लेन में 16 मीटर की दूरी तय करने में कितना कार्य संपन्न करेगी? यदि बॉडी और प्लेन के बीच का घर्षण गुणांक 0.025 है, दोस्तों 440 केजी आएगा इसका। अगला क्वेश्चन, यदि एक 1200 टन के रेलवे वैगन के भार को उठाने के लिए कितनी बल की आवश्यकता होगी? वैगन और रेलवे के बीच का घर्षण गुणांक 0.003 है, दोस्तों ये एफ बराबर म्यू इंटू आर आएगा, तो इसको हल करने पर 3.75 टन आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि सामान्य बल 1.2 किलो न्यूटन है, शाफ्ट का व्यास 60 mm है, घर्षण गुणांक 0.03 है, तो NM में घर्षण बल का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसको हम हल करेंगे, तो यहाँ पर हल करने पर आपका इसका राइट आंसर 1.08 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि एक तरल 2 m² के क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन बल डालता है तो दाब क्या होगा? तो दोस्तों P बराबर F बटा A आता है, 100/2 = 50 Nm² आएगा राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 5 m³ और 2 kg/cm² वाले गैस के तापमान को इसे रखे 1 kg/cm² दाब तक घटाया जाता है तो गैस का आयतन, तो दोस्तों गैस का आयतन P/1/V, तो हल करने पर आपका आएगा 10 m³। अगला क्वेश्चन दोस्तों, घिसाव के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए कौन से ऊष्मा उपचार को प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों वो होती है आपकी हार्डनिंग। ये क्वेश्चन ईयरली में काफ़ी बार पूछा जा रहा है की बार एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, कुछ रद्द तक की गई हार्डनिंग के कारण हुई अत्यधिक भंगुरपन को हटाने के लिए कौन से ऊष्मा उपचार का उपयोग किया जाता है? दोस्तों वो आएगा राइट आंसर एनीलिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि पी और क्यू 2 बल 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए तो परिणामी बल क्या है? दोस्तों परिणामी बल का सूत्र हो गया R² = P² + Q² + 2PQ cos θ। दोस्तों इसको हल करने पर इसका राइट आंसर आएगा 64.37 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 1.5 kN का क्षैतिज केबल बल और 2100 न्यूटन का लंबवत बल एक टेलीफोन के दूरों पर कार्य करता है तो परिणामी बल क्या होगा? दोस्तों परिणामी बल का ये सूत्र लगेगा और हल करने पर आपका राइट आंसर आएगा 2.58 kN। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए क्षेत्रफल में CG की अवस्था क्या होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप जरूर हल करना, अपने सर से पूछना, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से स्केलर मात्र क्या है? तो दोस्तों वो गति या स्पीड है। दोस्तों ये आपका पूरा पेपर हो चुका है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।